टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज द थर्ड मेथड ऑफ मटेरियल इशू, दैट इज एवरेज मेथड. अब एवरेज मेथड क्या होता है कि ये दोनों जो हमने मेथड्स पहले करे हैं, लिफो फिफो, उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन है. इसमें हम क्या है कि मटेरियल्स को अलग नहीं रखते हैं, उनको एक एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंगली इशू करते हैं. सो अंडर दिस मेथड ऑल द इशूज ऑफ मटेरियल आर प्राइज्ड एट अ सिंगल प्राइस विच इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्राइसेस. दो तीन मटेरियल हैं अलग अलग प्राइस के हैं, उन प्राइसेस की आपने एवरेज निकाल लेनी है और उस एवरेज के अकॉर्डिंगली जो है हम मटेरियल्स को इशू कर देते हैं. इस वीडियो में हम सिंपल एवरेज मेथड बात करेंगे एंड इन द कमिंग वीडियो वी विल डू द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज एज वेल. तो सिंपल एवरेज क्या होता है, इसमें हम एक एवरेज निकाल लेते हैं प्राइस की. नाउ आई होप यू ऑल नो सिंपल एवरेज किस तरह से आ जाता है. जितने भी हमारे पास प्राइसेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल प्राइस वन है, प्राइस टू है, प्राइस थ्री है, तीन तरह का मटेरियल पड़ा है, तो इनकी एवरेज ऐसे निकलती है. अगर चार तरह के प्राइसेस होंगे तो प्लस पी फोर करके डिवाइडेड बाय फोर. तो आपने सभी प्राइसेस को ऐड करके और जितने वो प्राइसेस का नंबर है उनके साथ हम डिवाइड कर देते हैं. ये मेथड बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है और ये बेस्ट मेथड है जब भी आपके प्राइसेस में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं. एंड नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज दिस मेथड कि आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यों करा या लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों करा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, आप एवरेज के अकॉर्डिंगली चलते हैं. सो दिस मेथड रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ. अदरवाइज इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इसमें आपका स्टॉक जो आपके पास बचेगा दैट विल नॉट बी एट द करंट प्राइस, और इन सम ऑर्गेनाइजेशन इट मे नॉट बी सुटेबल. सो व्हेन एन एवरेज प्राइस इज चार्ज, तो कई बार प्रॉफिट और लॉस अंडर चार्ज या ओवर चार्ज हो जाता है. सो नाउ लेट अस सी के एवरेज, सिंपल एवरेज प्राइसिंग मेथड जो है उसमें हम किस तरह से मटेरियल इशू करते हैं. दिस इज द केस ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड. हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7. अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल एवरेज मेथड. जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्च 1 को हम गुड्स खरीद रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस के गुड्स हैं. सो नाउ वी विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल दीज गुड्स एंड देन वी विल मेक द इशू अकॉर्डिंगली. नाउ फॉर इवन द एवरेज मेथड ऑल्सो हमने सेम तरीके से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है. डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट के तीन कॉलम, इशू के तीन कॉलम एंड बैलेंस के तीन कॉलम. नाउ अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले गिवन है कि मार्च फर्स्ट, तो हम डेट में डाल देंगे मार्च वन को हमने गुड्स परचेज करी हैं. सो व्हेन वी परचेज द गुड्स, दिस इज गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, और क्वांटिटी में हमें गिवन है कि 100 हमने यूनिट्स परचेज की हैं 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली. सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1000. इशू में कुछ नहीं, ये अब जो आपने खरीदा है ये आपके बैलेंस में भी आएगा, 100, 10 एंड 1000. अब फिर गिवन है हमें मार्च 2, तो 2 मार्च डाल दिया मैंने यहाँ पे. 2 मार्च को गिवन है कि फिर से आपने परचेज करा, तो सेम आप लिखोगे गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर. अब इस बार हमने 200 यूनिट्स परचेज करी हैं 10.20 के अकॉर्डिंगली. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 2040. यहाँ पर मेरा फर्स्ट कंप्लीट हुआ था. अब मेरे पास स्टॉक क्या है, एक तो ये 100 पड़ा है 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, और उसके बाद मेरे पास ये भी आ चुका है 210.20 के अकॉर्डिंगली, 2040 अमाउंट का. इसके बाद मैंने यहाँ पर ये मेरी सेकेंड डे की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई. अब देखो इशू कैसे करेंगे. अब क्वेश्चन कहता है कि 5 मार्च है, 5 मार्च को हमने इशू करा, तो यहाँ पर रिक्विजिशन स्लिप नंबर आ गया. अब इशू कितना किया है, 250 यूनिट्स. नाउ सी How am I going to issue it? 250. कौन से रेट पर, जो मेरे पास मटेरियल मेरे स्टॉक में पड़ा होगा उनकी एवरेज. अब मेरे पास स्टॉक में दो तरह का मटेरियल पड़ा हुआ है, एक 10 रुपीज वाला मटेरियल पड़ा है और एक 10.20 वाला मटेरियल पड़ा है. तो आपने इसका एक वर्किंग नोट बना लेना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस. हर एक इशू के टाइम पर यह हर बार निकालना पड़ेगा. अब मेरे पास दो प्राइसेज हैं तो मेरा फॉर्मूला बना 10 प्लस दूसरा प्राइस है 10.20. प्राइस लेना है आपने, रेट लेना है, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि दो प्राइसेस थे. इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके मेरे पास एवरेज प्राइस निकला. अब ये सॉल्व करके 20.20 डिवाइडेड बाय 2 करके हमारे पास आ रहा है 10.10. तो ये हमारे रेट में आ गया 10.10. इन दोनों को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2525. अब हमें स्टॉक किस रेट पर शो करना है. देखो अब हम ना ये रेट शो कर सकते हैं ना ये रेट शो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा स्टॉक तो एवरेज प्राइस पर गया है, तो
तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या करते हैं, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इज कि आप रेट का कॉलम ही ना बनाएं। रेट का कॉलम अगर बनाओगे तो वहां पर आपको जो है शो करना पड़ता है कि किस रेट के ऊपर इश्यू होता है। सो जनरली इन द बुक्स दिस कॉलम इज नॉट मेड। अब इसे थी मेरे पास 300, 100 और 200, 300, इसमें से 250 इशू हो गया तो मेरे पास क्वांटिटी बची 50 यूनिट्स की। बट आई हैव टू रिमेम्बर कि कौन सा स्टॉक बचा हुआ है। देखो 250 गया तो मतलब ये तो सारा का सारा चला गया, बट ये जो 200 आया था ये वाला, इसमें से मेरे पास से 150 यूनिट गए होंगे तभी ये 250 बना है। 100 ये, 150 ये गए होंगे। तो मतलब थोड़ा सा आपने फिफो को भी माइंड में रखते हुए एवरेज मेथड चलाना है कि जो पहले आया वो पहले गया होगा स्टॉक, सो बनाएंगे। तो जब मैंने 50 करा, आई हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि ये स्टॉक मेरा पहले वाला पूरा खत्म हो चुका है, ये स्टॉक 200 वाला था उसमें से 150 यूनिट्स इशू हुए हैं, 50 अभी भी पड़े हैं 10.20 हिसाब से। तो ये अभी फिनिश नहीं हुआ, ये मेरा पड़ा है। जब मैं नेक्स्ट बारी स्टॉक को इशू करूंगी तो ये वाले प्राइस का स्टॉक मुझे याद रखना पड़ेगा पड़ा है। बैलेंस में क्या है, टोटल 300 था उसमें से 250 चला गया, 50 इन दोनों को ऐड करेंगे 3040 बनता है। 3040 माइनस 25 जो स्टॉक इशू हो चुका है तो ये हमारे पास है 515। तो आपको ये कॉलम रेट का इस मेथड में बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इन द क्वेश्चन, मार्च 7 की एंट्री है तो ये वाली मेरी क्लियर हो गई है। तो यहां पर आएगा अब मार्च 7 को एंट्री है कि आपने 300 यूनिट परचेज करे हैं, तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर आ गया हमारे पास। तो 300 यूनिट्स हमने खरीदे और उसका रेट बन है 10.50 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 3150। अब स्टॉक क्या आएगा, 50 था, 300 और आ गए तो ये आ गया 350। 515 में 315 प्लस करेंगे तो ये बन रहा है 3665। तो अब मुझे रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये मेरे पास स्टॉक पड़ा है और ये नया स्टॉक आ चुका है इस रेट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10th मार्च फिर से मैंने गुड रिसीव, तो फिर से नंबर, अब इस बार यूनिट्स आई हैं 200 और रेट है 10.80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 2160, राइट। अब मेरे पास स्टॉक में क्या है, 350 है, 200 और आ गया, सो टोटल स्टॉक इज 550 और अमाउंट में 3665 प्लस 2160 ये आता है 5825। नाउ अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इशू, इसके बाद अब हम इशू की बात करते हैं। सो क्वेश्चन कहता है 13th मार्च को गुड्स इशू हो रही है तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर आ गया। अब गुड्स कितनी इशू हो रही है, 200। अब देखो कैसे इशू, इशू के कॉलम में आ गए 200, किस प्राइस। एक मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये पड़ा है, एक ये भी आ गया। अब मेरे पास तीन तरह का स्टॉक पड़ा है, सो इसकी कैलकुलेशन में कैसे करूंगी, 10.20 प्लस 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको ये वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि जब मैंने 13 मार्च की एंट्री में इशू किया है तो मैंने किस रेट के ऊपर किया है। वो रेट मेरा बना है 10.20 प्लस 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाय 3, इस रेट के ऊपर इशू कर रही हूँ एंड दिस एवरेज कम्स आउट टू बी 10.50। तो जब मैंने अब स्टॉक को इशू करना है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू 10.50। तो ये 200 यूनिट जो जाएंगे 10.5, तो जब भी आपने इशू करना है आपको ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 2100। नाउ 550 माइनस 200 ये बचा 350 और 25825 माइनस 2100 आता है 3725। सो इस तरह से जब भी स्टॉक इशू होगा तो हमारे पास है स्टॉक में आपको सारे प्राइसेस देने पड़ेंगे। तो देखो क्या 200 यूनिट हुआ है तो ये जो बचे हुए थे पहले मेरे पास, यहां से 100 तो खत्म हो चुके थे जब मैंने ये इशू करा था, 50 बचे हुए थे। अब जब ये 200 करें तो ये सोचो कि ये वाला स्टॉक 200 वाला भी खत्म हो गया, अब अगली बार इस रेट को नहीं होगी। अब मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक बचा हुआ है, 50 इसका निकला है राइट, और बाकी का जो है वो निकला है 300 में से, जब मैंने 200 डाला 50 पुराना और 150 यहां से निकला है। तो अब स्टॉक बचा हुआ है वो इन दो रेट्स का बचा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18th मार्च को फिर से वो कह रहा है इशू करना है। आप देखो
अब जब मैंने इशू करना है, अगेन क्वेश्चन इज सेइंग 200 यूनिट्स, अब इसको नहीं लूंगी, अब वो खत्म हो चुका है, इन दो, ये दोनों पड़े हैं। अब इन दोनों का एवरेज प्राइस 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जब सॉल्व करेंगे ये आता है 10.65, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है 2130। अब क्या बचा, 350 में से 250 चला गया, अब बचा 150, 3725 माइनस 2130, ये आता है 1595। तो ये मेरा 19 मार्च का स्टॉक निकल कर आ गया। अब जब भी गुड्स आएंगी वो ऐड होती रहेंगी, जब जाएंगी इसी तरह से वो माइनस होती रहेंगी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन का अगला पॉइंट कहता है 20 मार्च, 20 मार्च को हमें गुड्स रिसीव हो रही हैं, तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर के अकॉर्डिंगली चलेंगे। गुड्स हैं हमारे पास 100 और इनका रेट है 11, सो 100 इंटू 11 ये आ गया 1100। अब स्टॉक में क्या है, 150 पहले था, 100 अब नया आ गया, तो स्टॉक हो गया 250 का, 1595 प्लस 1100 ये आता है 2695। लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ क्वेश्चन 20 मार्च के बाद ये कह रहा है कि 25 मार्च को हमने एक और ट्रांजेक्शन करी है, अब हमने गुड्स इशू करी हैं। अब गुड्स इशू करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा स्टॉक हमारे पास पड़ा है। देखो सबसे पहला इशू हुआ ये 250, 100 खत्म हो गया, यहाँ 150 निकला तो यहाँ 50 बचा था, जब हम इस स्टेज पर आए तो ये 50 भी यूज हो गया, यहां से हमने लिया 150। अब जब इसको इशू करा है तो ये 150 भी खत्म हो गया, इसमें से पड़ा हुआ है हमारे पास 50 का स्टॉक। अब ये जो मैंने इशू करना है 25 तारीख को, ये कह रहा है 150 यूनिट्स हैं। कौन कौन सा स्टॉक पड़ा है, एक ये 10.8 और एक नया आ गया था 11 का, सो 10.80 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, इस ये सॉल्व करके आपके पास आता है 10.90। सो 150 इंटू 10.90 इज 1635। अब 250 में से 150 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास लास्ट में स्टॉक बचा है 100 का, और अमाउंट कैसे आएगा, 2695 माइनस 1635 ये आता है 1060। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है और अमाउंट कितना है, 100 यूनिट्स बचे हैं और उनका प्राइस है 10.1060। सो दिस इज हाउ वी डू सिंपल एवरेज मेथड।